निर्दाव रहे निशंक, जो जन निर्दाव रहे कर बंदगी, कर बंदगी छाड़ू मैं मेरा निर्दाव रहे, छाड़ू मैं मेरा हृदय नाम समार सवेरा, ज्ञानी ध्यानी चतर पेख रहन नहीं ए थाए कर बंदगी, छाड़ मैं मेरा छाड़ छाड़ सगली गई, जो जन निर्दावे रहे छाड़ छाड़ सगली गई, बूढ़ तहां लपटा लाज न मारो, लाज न मारो कहो कर मेरा दावे दाजन होत है, कहो घर मेरा लाज न मारो कहो घर मेरा, अंत की बार नहीं किछ तेरा, जो जन निर्दावे रहे दावे दाजन होत है, मेरा तेरा जानता तब ही लो दुखिया, मेरा तेरा जानता तब ही लो दुखिया, दावे दाजन होत है तब ही लो दुखिया, बनता सोत देह ग्रह संपत सुखदाई, बाबा कबीर जी ने पिछले श्लोक विच मधुकरी मांग के खान वाले नूं भला आख्या सी, कबीर भली मधुकरी, क्यों? क्योंकि उन्दे विच अपनी चॉइस खत्म हो जांदी है, मनुख दी स्वादां भरी बिरती नहीं रहिंदी, नाना विद को नारी उन्दी अपनी किसी स्वाद दी पकड़ नहीं हुंदी। ते अगली लाइन विच एक गल आखी सी, जो जन निर्दावे रहे नाना विद को नाज, दावा कहूं को नहीं निर्दावे रहे, ना उनु स्वादा नाल अपनी कोई पकड़ है न्यू है, ना उनु वस्तुओं नाल संपदा नाल सुखा नाल सुखा दे समान नाल कोई पकड़ है, दावा है दावा का हुको नहीं, बड़ो देश बड़ राज। हुण इत्थे सवाल पैदा हुंदा है, बाबा कबीर जीओ दसो आखर पकड़ छड़न नाल दावा छड़न नाल जिंदगी जीवन दा की रूप है, क्योंकि मनुख ता दावियां विच ग्रसिया होया है, ये दौलत मेरी है
ये परिवार मेरा है, ये घर मेरा है, ये संपदा मेरी है, सागल नाल मेरी मेरी जुड़ी हुई। हालांकि गुरु आवाज दिंदा है मेरी मेरी करते जन्म गयो, क्योंकि मेरी दाई दूजा अर्थ है दावा, मेरा इससे दावा है, ये चीज मेरी है। बाबा कबीर जी ने ते जो ये सवाल होया ते मैं हैरान, बाणी अंदर सतगुरु ने एक जवाब दिता, कह लगे इस दावे दे दो तीन चार पांच रूप ने, जिन्ना चीजा नाल मनुख दा ज्यादा दावा जुड़िया होया है। वो है बनता सुत दे ग्रहे संपद सुखदाई, स्त्री पुत्र बनता सुत दे शरीर, जिस नाल मनुख हमेशा जुड़िया होया ते हर वक्त इस दी संभाल रखदा है। सतगुरु कहिंदे ने उस तो बाद दे तो बाद ग्रह, एक घर मेरा है, इनकी जिम्मेवारी मेरी है, मैं इसनु किवें संभालना है। संपदा ए दौलत ए सुखां दा समान मेरा है। हालांकि गुरु अगली लाइन अंदर आखते ने बनता सुत दे ग्रह संपद सुखदाई, इनमें कुछ ना है तेरो, तू दावा करी बैठा है ना चीजा ते, तू कहना ये चीजा मेरिया ने अपनी रचना तो। सतगुरु कहते नहीं, इनमें कुछ ना है तेरो, काल अवध आई, जदों काल दा समा आ गया, मौत दा समा आ गया, ये सारिया चीजा दे नाल तेरा संबंध टुट जाना है, कोई दावा नहीं रहना। मैनू याद आया अपनी जिंदगी नाल जीवन नाल बीती हुई एक कहानी, बाबा राम सिंह जी बुजुर्ग दिल्ली हुंदे सन, हालांकि गृहस्थी सन, संसारिक जीवन संसारिक जिवें कारोबार विच भी रहा, पर बिरती इन्नी उच्ची अवस्था सी कि उन्होंने परिवार नेड़े दे रहने वाले परिवार बहुत सारे दिल्ली वासी उन्होंने संत जी कह के पुकार दे सन। बड़ा गुरमुख जीवन, नाम सिमरन बाणी नाल जुड़िया होया जीवन, मैनू अपने हट बीते भी याद है, बड़ा प्यार करदे सन कीर्तन नाल, ते मैं लुधियाने हुंदा सां ओ दिल्ली हुंदे सन, ते कहना बेटा किते लेट ना हो जावे, मैं तेनू अमृत वेले उठा दिया करांगा। ठीक तीन बजने ते मैनू टेलीफोन खड़क पैना, ते वेखना जदों टेलीफोन चुकना ते किन्नी देर उन्होंने सुखमणी साहब दे पाठ दीआं कुछ लाइनां मैनू फोन ते सुनांदे रहना, ते मुड़ के एक लाइन ओ पढ़नी जिंदे नाल जिंदे विच दर्शन लफ्ज़ आवे, ते फिर कहना बेटा जाग पिया, बस इन्ना कैकेट फोन रख देना। दूजे दिन फिर रूटीन नाल ठीक तीन बजे फोन आ जाना। इस किस्म की बिरती सी, बहुत सारे परिवार उन्हां ते श्रद्धा रखते सन। एक दिन असी भी दिल्ली हुंदे होया ते होर भी कुछ परिवार शामां नूं इकट्ठे उन्हां कोल बैठे सन, ते एक वीर ने सवाल कर दिता, कहन लगे बाबा जी तुसी इत्थे कोठी विच किराए ते रहिंदे हो, बच्चा वक्खरा रहिंदा है, तुहाडा अपना प्लाट भी इत्थे पंजाबी बाग विच है, तुसी उत्थे अपनी स्थान अपनी जगह बनाओ, सत्संग दी जगह भी बन जाए, इत्थे तुसी किराए ते बैठे। मैनू उन्हां दे इक लफज अज दे बाबा कबीर जी दे इस ख्याल नाल संबंधित याद आ गए। बड़े धीरज ते ठरमे नाल उन्होंने एक गल कही, भलियो ए
घर भी मेरा नहीं ते ए घर अपने शरीर ते छाती ते हाथ रख के कहन लगे ए घर भी मेरा नहीं। जिस घर ते भी दावा हो गया उन्दे फिक्र पै जान गए। इसलिए बाबा कबीर जी दे भी आज लफज दावे दजन होता है क्लेश दावे विचों क्लेश चिंता पैदा हुंदी है। ते ओ बुजुर्ग आखन लगे कहन लगे भले हो जे घर मैं अपना बना लिया फिर मैनू फिक्र होगा इनू कली कूची कराउना है इनू रिपेयर कराउनी है इनका टैक्स देना। मैं हुण निश्चिंत हां जिंदा घर है वह मालिक जाने उनका कम जाने मैनू की मेरा कहड़ा घर है। कहन लगे इस तरह आ शरीर भी घर मैं अपना नहीं समझदा ये मेरा नहीं। जे मेरा हो गए तो मैनू ये फिक्र हो गए मैनू आरोग रखना है केड़ी खुराक देनी है केड़ा कपड़ा पहनाउणा इथों तक कि जे इनू कपड़ा पहन वाला जे मनुख का शरीर पुराना हो जाए तो फिर पुराने कपड़े वांगू जिवें फिक्र चिंता लग जांदी है फट ना जावे। गुरु ने बाणी विच वी आखिया कहन लगे दिन थोड़े थके भया पुराना चोला उदों फिक्र पै जांदा बुढ़ापे विच आके मेरा चोला पुराना शरीर दा चोला पुराना हो गया इहनू किवें संभाल संभाल रखा ते कुछ देर हटा लवां ते जिहड़ा अपना ना ही शरीर ना होवे उन्दे बारे उस चोले बारे बुढ़ा हो जाए पुराना हो जाए फट जाए मैनू की जिस मालिक दा है उन्हें जिन्नी देर रखना है रखेगा जदों सद्दा देवेगा चला जावा। बड़ा खूबसूरत जवाब सी कहन लगे इसे लई मैं आ घर भी अपना नहीं बनांदा ते आ घर भी मैं अपना नहीं बनाया होया। जिथे भी दावा हो जाएगा ना ये घर मेरा है बस उथे ही चिंता लग जाणगी। बाबा कबीर जी ने भी अज दे श्लोक विच इहो गल आखी कहन लगे दावे दजन होते दावे दजन होते निर्दावे रहे निसंग निर्दावे रहे निसंक दावे दजन होते हैं दावे दजन होते हैं दावे दजन होते हैं। बाबा कबीर जी दा एक ख्याल कहन लगे जेड़ा दावियां विच रहिंदा है वह तो भावे इंद्र राजा होवे वह भी रंक है उन्दे कोलों भी असी हिस्ट्री विच भी पढ़े रहे हैं कि जदों राजा इंद्र इंद्रपुरी दा बादशाह ने सुखां दे समान दुनिया अंदर स्वर्ग दा बादशाह मन्या जाने वाला जदों उन्दे कोलों भी आके राक्षस राज खो लैंदे सन वह भी रोंदा फिरदा सी। कहन लगे सो गणे इंद्र सो रंक मेरे लिए तो वह गरीब है क्योंकि दावियां नाल जुड़िया होया है। इसलिए अपना सब कुछ हुंदिया होया अपना ना जानना एहो भगती है। इस गल लई सतगुरु ने आख्या मत हुंदी होए एआना तान हुंदे होए निताना अनहुंदा आप वंडाए को ऐसा भगत सदाए। एहो ही प्रेरणा अज दे श्लोक विच बाबा कबीर जी ने दित्ती गई जिहड़ी सानू हिरदे विच वसा के उस दे अनुसार जीवन दा आउन वाला पंध बिताना
ही सुचजा जीवन होएगा। इन्हें शब्दा नाल खिमंदा जा चुका फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।